यू आर अरुण पवार लाइट एंड लिमिटेड एडिशन, थैंक यू। पुरुलिया से हरियाणा हमें ये वाला किया सोनेट लेके जाऊंगा, वेस्ट बंगाल टू हरियाणा और पूरा दिल्ली भी घूमूंगा। हाय गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू संडे स्पेशल क्यू एंड ए वीडियो। सो बहुत दिन बाद आप लोग के लिए मैं एक संडे स्पेशल क्यू एंड ए वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। नहीं तो मैं बहुत दिन, मतलब कितना 6-7 महीना पहले लास्ट बनाया था ना वीडियो संडे स्पेशल क्यू एंड ए। सो आप लोग का मतलब ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस जमा पड़ा है आप लोग के अंदर की, मतलब जो आप लोग इंस्टाग्राम पर लिखते हैं कि ये वो करके ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाल दिया था कि अगर आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, उसके ऊपर एक क्यू एंड ए वीडियो मैं बना दूंगा। सो वैसे आप लोग का बहुत सारा, मतलब बहुत ज्यादा आप लोग का क्वेश्चन आया है, तो मैं सोचा कि उन्हें एक वीडियो के ऊपर मैं सब कुछ मैं आंसर कर देता हूं जो कि आप लोग का ज्यादातर क्वेश्चन रहता है। सो वीडियो गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम लोग वाला वीडियो शूट करने के लिए किया को लेकर आ चुके हैं एक पूरा खाली सुनसान जगह। वो दिखा दो कैसा जगह है। सो देख सकते हैं गाइस कुछ ऐसा पूरा जगह पर हम लोग वीडियो शूट करने के लिए आया, मतलब जहां पर कोई हम लोग को डिस्टर्ब करने जैसा कोई नहीं है, हम लोग आराम से अपना वीडियो शूट कर पाएंगे। तो वीडियो गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मतलब रहने वाला है, जो कि आप लोग का ज्यादा क्वेश्चन रहता है। मैं सारा क्वेश्चन सारा ने जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वही मैं पिक किया हूं। सो वीडियो को देखते रहे गाइस आप लोग एंड तक। हमारे चैनल पर नया तो उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। सो चलिए गाइस आज के वाले वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज की संडे स्पेशल क्यों ने का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, आकाश भाई आप किया सोनेट के जगह एमजी हेक्टर क्यों नहीं लिए? भाई क्योंकि बजट नाम का भी कोई चीज होता है, इसीलिए मैं एमजी हेक्टर नहीं लिया। नहीं तो अगर बजट नहीं रहता तो एमजी हेक्टर क्या, मैं बीएमडब्ल्यू ऑडी में ले लेता किया सोनेट के जगह। तो इसीलिए मैं एमजी हेक्टर नहीं लिया, लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट प्यार रहता तो एमजी हेक्टर भी आएगा, एक ना एक दिन जरूर से आएगा। सब चलते हम लोग का सेकंड क्वेश्चन की ओर। आकाश भाई अभी किया सोनेट का कितना वेटिंग चल रहा है? सो अभी किया सोनेट फिलहाल आप तो मॉडल आप मतलब मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं बताता तो कि हम लोग का जो मॉडल है एचटी के प्लस, तो इसका फिलहाल 9 महीने का वेटिंग चल रहा है। सोच सकते हैं ये वाला गाड़ी का 9 महीने का वेटिंग और इसका प्राइस अभी और ज्यादा हो गया। हम लोग इसको लिए थे लगभग कितना 9,60,000 वैसा इसमें हम लोग खरीदे थे, लेकिन अभी इसका ऑन रोड प्राइस पड़ चुका है लगभग 10.5 लाख वैसा इसका ऑन रोड प्राइस फिलहाल अभी पड़ चुका है और 9 महीने का वेटिंग। सोच ही सकते इसका इतना ज्यादा डिमांड है किया सोनेट का। और बाकी मॉडल का मुझे नहीं पता, मुझे ये बोला एचटी के प्लस का पता था तो इसलिए मैं बता दिया और आप मेंशन भी नहीं किया। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, आपका कार का ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा था? तो मैं तो आपको यही वाला क्वेश्चन बता दिया, मेरा कार का लगभग सब कुछ मिलाकर ऑन रोड प्राइस पड़ गया था लगभग 9,60,000 वैसा इसका, और मैं जो एक्सेसरीज लिया हूँ एक्सेसरीज सब कुछ मतलब लगा करके मिला करके लगभग आप मान के चलिए 10 लाख मेरा ये वाला कार पे पड़ चुका है सब कुछ मिला करके। सब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज दे से कब मिलोगे और वो नया कार कब लेंगे? सो देखते हैं बहुत ही जल्दी मिलने जाएंगे और एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए। सो बहुत ही जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा वो सरप्राइज जो उनके मतलब कार रिलेटेड ही एक सरप्राइज है। सो आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, जाएंगे मनोज भाई के घर भी बहुत ही जल्दी हम जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर अरुण पवार लाइट एंड लिमिटेड एडिशन, थैंक यू। थैंक यू, मैं बताना चाहता हूँ और मैं जो किया सोनेट परचेस किया हूँ जो आप लोग देख सकते हैं, ये भी मैं अरुण पवार भैया के वीडियो देख के मैं किया परचेस किया। वाह क्या बात है, ये देख सकते हैं मैं अरुण पवार भैया के वीडियो देख के ही मैं ये वाला किया सोनेट को लिया हूँ, क्योंकि उनके पास किया सेल्टोस है और मैं देखा कि ये मतलब काफी ज्यादा अच्छा गाड़ी है, मतलब रिलायबल ट्रस्टेड ये वाला ब्रांड है किया। तो इसलिए मैं फिलहाल किया सोनेट लिया। सो अब चलिए वापस से अंदर चलते हैं फिर बताते हैं। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किया सोनेट के जगह वेन्यू लेना चाहिए था, वो ज्यादा अच्छा गाड़ी है। सो देखिए सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, मुझे किया सोनेट ज्यादा पसंद था इसलिए मैं लिया, आपको शायद ह्युंडई वेन्यू ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए आप मुझे लिखे हैं कि ह्युंडई वेन्यू लेते। मेरा भी पहले वेन्यू लेने का प्लान था, मैं वेन्यू देखने भी गया था, लेकिन मुझे एक तो मतलब जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे ह्युंडई शोरूम का उनका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा और वेन्यू का जो लुक्स है लुक्स भी मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वेन्यू का एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, वेन्यू का जो हेडलाइट आता है ना वो आपका ऐसा जगह पर आता है जहाँ पर इसका फॉग लैंप है वैसा जगह पर इसका हेडलाइट आता है, ऊपर में उसका इंडिकेटर जो आता है ऐसा करके उसका इंडिकेटर आता है। सो वो मुझे खासकर उतना अच्छा नहीं लगा, उसका जो वाला लुक है मुझे उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा, नहीं तो अगर मैं उसका लुक थोड़ा अच्छा अगर रहता तो मैं शायद वेन्यू लेता, लेकिन मुझे किया का लुक थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा सो इसीलिए मैं किया लिया हूँ। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किया सोनेट सेफ्टी कार नहीं है, ये भाई मुझे पूछा है।
सो देखिए Hyundai Venue और Kia Sonet का बिल्ड क्वालिटी एकदम सेम टू सेम है, क्योंकि Hyundai और Kia सिस्टर कंपनी है। सो अगर Hyundai Venue को 4 स्टार मिला है तो इसको भी 4 स्टार ही मिलेगा। ओनली आपका इसका इंटीरियर एक्सटीरियर का लुक चेंज कर दिया, एक नया ब्रांड है यहाँ पे Hyundai का, जो Kia लिखा हुआ है। बाकी अगर मैं बोनट खोल कर दिखाऊँ या फिर मतलब हर एक पार्ट इसका आपको Hyundai वाला पार्ट ही मिलेगा, और जो मतलब बिल्ड क्वालिटी है वो भी सेम टू सेम Hyundai का ही है, क्योंकि Hyundai Venue इसका बिल्ड क्वालिटी एकदम सेम टू सेम है। और सेफ्टी का बात अगर मैं बोलूँ तो हम लोग और एक स्कॉर्पियो भी ओन करते हैं, तो आप स्कॉर्पियो का मतलब सेफ्टी रेटिंग जानते हैं इसकी, स्कॉर्पियो मतलब 0 स्टार मतलब सेफ्टी रेटेड है। सो देखिए वो चलाने के ऊपर आपका डिपेंड करता है, अगर आप मतलब ठीक से चलाएंगे धीरे धीरे चलाएंगे तो आपका 0 स्टार वाला कार भी आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग टिकेगा, और अगर आप रैश ड्राइविंग करेंगे थोड़ा पूरा स्पीड में ऐसा ऐसा करके साफ सुथरा गाड़ी चलाएंगे, सो बस समझ जाइए आप लोग। सब चलते हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आईफोन से ज्यादातर वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, और आप एक व्लॉग बनाए थे नया आईफोन लूंगा वो क्यों। अच्छा, सो ये भाई मुझे पूछा है कि मैं आईफोन से ज्यादा वीडियो में क्यों शूट नहीं करता, और मैं एक व्लॉग में बोला था कि मैं नया आईफोन लेने वाला हूँ इसीलिए। तो मैं ये वाला वीडियो आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो फिलहाल आईफोन है सो वो है आईफोन 12 प्रो मैक्स, जो मतलब काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। लगभग वो मैं खरीदा था 1,40,000 वैसा उसका आईफोन का प्राइस था। तो अगर मैं बताऊँ तो आईफोन इतना ज्यादा महंगा है, इसलिए मुझे घर से वो वाला फोन हर जगह मुझे ले जाना अलाउ नहीं करता, क्योंकि सोचिए फोन ही अगर फोन कहीं से गिर गया पॉकेट से या फिर कोई चोरी कर लिया तो मतलब 1,50,000 रुपया चला जाएगा। तो इसीलिए जब पूरा फैमिली कहीं पर हम लोग जाते हैं फुल फैमिली टूर में जाते हैं तभी जाकर के मैं आईफोन को लेकर के जाता हूँ अपने साथ मतलब वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उस टाइम फुल फैमिली रहता है उस टाइम मतलब कोई डर का बात नहीं। और जो मैं बोला था कि और एक मैं आईफोन लूंगा तो इसीलिए मैं प्लान कर रहा हूँ आईफोन 11 या फिर आईफोन 12 लेने का, क्योंकि वो मतलब उतना ज्यादा महंगा नहीं है और उसका कैमरा क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छा है, और आप लोग जानते हैं व्लॉगर का मतलब कैमरा ही सब कुछ होता है अच्छा कैमरा क्वालिटी। तो इसलिए मैं और एक आईफोन लेने का प्लान कर रहा हूँ जो कि आईफोन 11 या फिर आईफोन 12 होगा, जो कि हल्का सस्ता आता है लगभग 50,000-60,000 में वो हमको मिल जाएगा। तो ये एक रीजन है गाइस कि मैं आईफोन से उतना वीडियो में शूट नहीं करता, क्योंकि मुझे घर से अलाउ नहीं करता बोला हर जगह ले जाने के लिए, और इसीलिए मैं एक नया आईफोन लेने का प्लान कर रहा हूँ जो कि थोड़ा उससे सस्ता होगा। सो अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए। सो गाइस हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको किया सोनेट में क्या क्या डिसएडवांटेज लगा। सो जो मुझे डिसएडवांटेज लगा वो है गाड़ी का एक इसमें 6th गियर होना चाहिए था, अगर इसमें 6th गियर देते तो काफी ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इसका जो जब हम मतलब 100+ ये वाला जब जाता है ट्रिपल डिजिट में जब स्पीड रहता है तब इसका मतलब जो इसका आरपीएम वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। सो इसका चलते अगर इसमें 6th गियर दे देता तो मतलब आरपीएम आपका थोड़ा सा लो रहता। सो ये मुझे पहला डिसएडवांटेज लगा ये वाला गाड़ी का, बाकी वैसा कुछ डिसएडवांटेज मुझे अभी तक तो फिलहाल नहीं लगा, ओवरऑल गाड़ी तो काफी ज्यादा अच्छा है, मेरा गाड़ी इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ जो वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और फिलहाल हाँ इसका एक स्पेस से रिलेटेड थोड़ा सा है, अगर आपका बूट स्पेस कमा करके अगर थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देता तो शायद थोड़ा सा अच्छा होता, लेकिन अभी भी ठीक ठाक है, मतलब उतना कुछ खराब ही नहीं है गाड़ी में, मेरा जैसे वाला सीट एडजस्ट किया मतलब ठीक ठाक स्पेस ही मिल जाता है, लेकिन बूट स्पेस का अगर कम करके इधर थोड़ा अगर ज्यादा स्पेस दे देता तो थोड़ा अच्छा ये बन जाता, लेकिन जो है ठीक ही है, हम इससे फुल्ली सेटिस्फाइड है। लो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर वापस से, और कितना क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन बचा है और लास्ट का 2 क्वेश्चन है, ये वीडियो को हम लोग फाइनली एंड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हम लोग का, मेरा बजट 10 लाख है, 10 लाख में कौन सा कार सबसे बेस्ट है, प्लीज गिव मी अ शाउट आउट आपका कार। अच्छा सर, इनका चैनल का नाम है शायद आपका कार। सो ये भाई मुझे पूछा है कि 10 लाख में अभी बेस्ट कार कौन सा है। सो देखिए मतलब कार तो आपको बहुत सारा मिलेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सेडान चाहिए या फिर हैचबैक चाहिए या फिर आपको मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, आप मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मतलब कैसा आपका ये वाला नीड है। अगर मैं आपका वह ऐसा मतलब लगभग बताऊं तो आप ले सकते हैं सोनेट का HT का वेरिएंट जो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि HT का प्लस का फिलहाल तो प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा दिया आपके वाला 10.5 लाख कर दिया। अगर आप थोड़ा बजट एक्सटेंड कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सोनेट का HT का प्लस लीजिए, और आपका बजट अगर 10 लाख ही है 10 लाख के अगर ऊपर नहीं जा सकते तो आप सोनेट का HT का वेरिएंट ले सकते हैं या फिर टाटा नेक्सॉन का बेस मॉडल ले सकते हैं, वो शायद आपका 10 लाख आ जाता है, मुझे उतना कुछ नहीं पता। या फिर आप Hyundai Venue ले सकते हैं, आपका मारुति का जो विटारा ब्रेजा है वो वाला आप LXi ले सकते हैं आराम से। तो ये सारा कार है जो कि आप आराम से मतलब परचेस कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मतलब क्या चीज का नीड है, आपको हैचबैक चाहिए या फिर आपको कॉम्पैक्ट SUV चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको मेरा ओपिनियन दूं तो अगर आप थोड़ा बजट हाई कर सकते हैं तो आप सोनेट का HT का प्लस लीजिए, और अगर आपका बजट 10 लाख ही है तो आप सोनेट का HT का वेरियंट ले सकते हैं आराम से। तो अब चलते हैं हम लोग का लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है कोलैब विथ अरुण पवार। सो देखते हैं, जरूर से मैं उनके साथ भी कोलैब करूंगा, वो मतलब मेरा ड्रीम है और मैं सोच करके रखा हूँ जब मैं उनके साथ कोलैब करने जाऊंगा, मैं उनसे मिलने जाऊंगा, सो मैं किया सोनेट को लेके ही जाऊंगा,
वो रहता है हरियाणा में और हम लोग के इधर से हरियाणा लगभग 2000 किलोमीटर वैसा मतलब दूर पड़ता है। तो मेरा ये वाला प्लान है कि जब भी मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो मैं मेरा किया सोनेट को लेकर ही जाऊंगा। पता है खर्चा ज्यादा होगा थोड़ा मतलब और थकान भी ज्यादा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। मतलब मेरा ये वाला ड्रीम है कि मैं अगर जब उनके साथ में मिलने जाऊंगा, मैं मतलब वेस्ट बंगाल से जहाँ पे हम लोग रहते हैं, सो पुरुलिया से हरियाणा, मैं ये वाला किया सोनेट लेके जाऊंगा वेस्ट बंगाल टू हरियाणा और पूरा दिल्ली भी घूमूंगा। सो ये मेरा एक ड्रीम है। सो यही था गाइस आज का पूरा क्वेश्चन Q&A, जो कि आप लोग का से बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि आकाश भाई आप Q&A बनाइए। सो अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और फिर मिलता है गाइस और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के वीडियो को बस एंड करते हैं गाइस, सुबह फिर डाल चुका है नेक्स्ट वीडियो से। बाय बाय। Why do I, baby, why do I love the touch with you?